हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के अनुसार अब आपको जो है अगले 5 सालों तक बिल्कुल फ्री में राशन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर राशन किनको मिलेगा, राशन आप कैसे ले सकते हैं और कितना आपको राशन मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेवेंट जो है सभी जानकारी इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो कहीं ना कहीं इस अपडेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर एक्चुअल में अपडेट क्या है और किस तरह से आपको कैसे कब राशन मिलना जो है शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी तो फ्री में आपको राशन मिल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही ये फ्री राशन खत्म होता है तो फिर से किस तरह से लागू होगा और आपको जो है किस तरह से फ्री में राशन मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर नहीं देखते हैं और भाई को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब से कोरोना काल आया, जैसे कि 2020 की हम बात करें तो कोरोना काल आया, तो उसमें जो है एक निर्णय लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें जो है प्रधानमंत्री जो कल्याण गरीब अन्न योजना है, इसके तहत जो है जो भी राशन कार्ड धारी है उनको जो है फ्री में अनाज उपलब्ध करवाया जाए। चूँकि उस समय जो है सभी का धंधा वगैरह वगैरह बंद ही हो गया था, लॉकडाउन लगा था, आप सभी जानते ही हैं। तो उस समय अगर मान लीजिए जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, वो लोग जो है भूखे मर रहे थे। मतलब देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने आपको चावल दे दिया तो आप मतलब उससे आपका जीवनी चल गया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट जरूर मिला। तो उसी समय जो है योजना का शुरुआत किया गया था और अभी तक योजना को जो है चलाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी भी आपको 5 किलो जो है प्रति सदस्य के हिसाब से आप देखेंगे तो पूरे भारत में जो है फ्री में राशन का वितरण किया जा रहा है, जिसमें आपको प्रति सदस्य 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं की बात यहाँ पर कही जा रही है और आपको दी भी जा रही है। आप जाएंगे PDF शॉप पे तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार के कोई भी पैसे नहीं देने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जो है राशन का उठाव कर सकते हैं और लेकर आ सकते हैं। तो अभी जो अपडेट आया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ यही बात बोला गया है, जैसे कि देश के जो माननीय प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा कहा गया है कि अगले 5 सालों तक जो है इस योजना के तहत हम राशन कार्ड धारियों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम राशन देंगे। जब इन्होंने कह दिया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, या अगले 5 सालों तक यानी कि 2028 तक जो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाभ किन को मिलेगा। देखिए, आप किसी भी राज्य के राशन कार्ड धारी हैं, आपको लाभ मिलेगा, बस आपके पास राशन कार्ड होनी चाहिए। राशन कार्ड बेसिकली जो है जो भी आपका बनता है ना, वो राशन कार्ड जो है सेम होता है, मतलब अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है तो क्या, लेकिन केंद्र के अंतर्गत ही आता है। तो अगर आपके पास राशन कार्ड बना हुआ है, आप किसी भी राज्य से हैं, तो इस योजना के तहत जो है लाभ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। राशन तो अभी भी आपको मिल ही रहा होगा और इन फ्यूचर भी आपको मिलेगा अगले 5 सालों तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप राशन का जो उठाव है वो कैसे कर सकते हैं, राशन कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आपको जो है प्रति सदस्य 5 किलो ही राशन मिलेगा, चाहे आपको गेहूं मिले या फिर चावल मिले, क्योंकि अभी तो 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं का निर्णय लिया गया है, उतना ही दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसको बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए, वो तो अलग की बात है, लेकिन फिलहाल जो है प्रति सदस्य 5 किलो आपको चावल या फिर गेहूं दिया जाएगा। ठीक है, जो भी मतलब ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, और ये राशन जो है आप जो PDF शॉप होता है, डीलर होता है, वहाँ से लेते ही हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जाते हैं और अपना बायोमेट्रिक देते हैं और राशन का उठाव कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आपको लगातार जो है आगे मिलते रहेगा। आप डीलर के पास जाएंगे, अपना राशन उठाएंगे और किसी प्रकार का कोई भी पैसा अभी भी नहीं देना पड़ रहा है और इन फ्यूचर भी आपको 5 साल तक नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में राशन का उठाव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया अपडेट है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी गई है कि अगले 5 सालों तक यानी कि 2028 तक बिल्कुल फ्री में राशन दिया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया और गरीब कल्याण योजना क्या है मैंने उसके बारे में जानकारी दे दी है कि उनकी ये जो है कोरोना काल में शुरू किया गया था और अभी तक चलाए जा रहे हैं और इसी योजना के माध्यम से आपको जो है फ्री में राशन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जानकारी मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस नोटिफिकेशन जैसे पेपर का जो नोटिस है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे जाकर इसको रीड आउट कर सकते हैं। दोनों जगह हम इसको उपलब्ध करवा देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।